नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डूनियर इंडस्ट्री शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, और साथ साथ हम कुछ जरूरी चीज़ों के भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे, जैसे कि भाई क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना सही रहेगा या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना सही रहेगा, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू आने वाले कुछ सालों में गिरावट आ सकती है, कंपनी के शेयर की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन का जो है आंसर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बारे में आपको जहाँ पर जानकारी देखने मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी के द्वारा दिए कंपनी के शेयर की वैल्यू में होने वाले फेरफार। तो देखिए, अगर हम 6 मई 2019 के टाइम में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है 37 रुपये के आसपास ट्रेड करती थी, और अगर 5 साल के बाद 6 तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 99 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम गई है कंपनी की वैल्यू। कंपनी के शेयर की वैल्यू पिछले 5 सालों में 37 रुपये से बढ़ के 121 रुपये तक जा चुकी है, इससे 4 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। जो कि 4 गुना का रिटर्न ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, पर एक अच्छा रिटर्न जरूर कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट में ऐड करेंगे, यहाँ पर हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ऐड करते रहेंगे। अब हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिससे हमें पता चलेगा भाई कंपनी कितना का रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 597 था और नेट इनकम 14 करोड़ की बन रही थी। 2023 में सिचुएशन को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 800 के 835 करोड़ हो चुका है और नेट इनकम 36 करोड़ हो गई है, यानी कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से चलती हुई देखी जा सकती है। होने वाली है कि भाई 2022 के साल में कंपनी जो है नुकसान में आ चुकी थी, कंपनी ने नेट इनकम -6 करोड़ की बनाई थी, जो जा सकता, पर अगर हम अभी की सिचुएशन इसको एक अच्छा संकेत दिया जा सकता है, तो हमने इसको एक प्लस वन, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। उसके बाद कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी कंपनी जिसकी मदद से रेवेन्यू को बना रही है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 503 करोड़ के एसेट्स है, यानी कंपनी की संपत्ति की वैल्यू 530 करोड़ रही हुई थी, और अगर 2024 में देखिए 5 सालों के बाद तो ये 503 करोड़ से बढ़ के 2023 में हो गई है 653 करोड़। तो इसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति में लगातार निवेश कर रही है तो इससे आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है या नहीं। तो अगर इसमें देखें तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों से डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के भी संकेत होता है। तो हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग, कंपनी ने अपने शेयर की 74% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इस शेयर को किसी भी तरह से बैंक या कोई संस्था में गिरवी नहीं रखा गया, क्योंकि जो प्लेस है वो 0% है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर, उनके द्वारा 0% होल्डिंग है, अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 0% होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर 25% है, 25, जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में होते तो अच्छा नहीं माना जाता, पर 25% ज़्यादा मात्रा नहीं कही जा सकती, इसलिए इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न प्लस वन दे सकते हैं इस बेस पे कि भाई कंपनी ने अपने 74% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, ठीक है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया। अब हम देखेंगे कंक्लूजन, यानी इसके अब कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, भाई कंपनी कैसे क्या प्रॉफिट बना रही है और कंपनी के रेवेन्यू सोर्स कौन कौन से रहे हुए हैं, एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी जो शुरुआत है 1959 में हुई थी 2017 के समय में, और गुजरात के सूरत शहर में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी ने 2017 में एक कंपनी है ग्रीसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, उस कंपनी का भी अधिग्रहण किया था। कंपनी ने समय के साथ मार्केट और ग्राहकों की डिमांड के हिसाब से काफ़ी सारे नए ब्रांड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। अगर कंपनी के ब्रांड्स को देखें भाई कंपनी कौन कौन से ब्रांड्स हैं, तो वो भी उसके नाम भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो कंपनी ने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, तो डूनियर शूटिंग्स है, मयूर शूटिंग एंड सेटिंग है, FM, यूरिको, वेस्टिटो, ठीक है, ये कंपनी है, डी कोट,
तो ये कंपनी के जो है सारे ब्रांड्स है जो आपने कहीं ना कहीं मार्केट में सुना भी होगा। और अगर हम प्लस वन माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 5 प्लस वन देखने मिले, माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें अभी बड़े इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं, तो निवेश करने से पहले इस चीज़ को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।